भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडवा के आलिशान पैलेस में लाभार्थी प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी व कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। इस लाभार्थी प्रमुख सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 परिवारों को घर की चाबी दी गई। इसके अलावा गांव बिंट निवासी महिला को 5 लाख का चेक वितरित किया गया। महिला के पति की मृत्यु खेतों में काम करते समय हो गई थी। सरकार की योजना के अनुसार उसे महिला को अनुदान राशि दी गई। इसके अलावा खेतों में काम करते समय 2 उम्मीदवारों के हाथ की उंगलियां कट जाने के कारण उनको भी अनुदान राशि दी गई। इस लाभार्थी सम्मेलन में भारी संख्या में लाडवा विधानसभा के लाभार्थियों ने भाग लिया। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि पूरे हरियाणा में लाडवा नगर पालिका में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं। इसके लिए नगर पालिका के अध्यक्ष साक्षी खुराना सहित अन्य अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदा देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देश का मान बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। 9 सालों में पीएम मोदी ने साबित किया कि भारत एक महान शक्ति बनने जा रहा है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि उनके समय में तो जूता उतरवाकर तलाशी ली जाती थी, तब हर भारतवासी अपने आप को शर्मसार महसूस करता था। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने बदलते हुए भारत को देखा है कि कैसे विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के सम्मान में खड़े हो रहे हैं, तो कोई चरण छू रहा है, कोई गले मिल रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष मोदी को बॉस कहकर संबोधित कर रहा है, यही बदलता हुआ भारत है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाले प्रधानमंत्री के आदर में दुनिया के नेता सिर झुका रहे हैं। अमेरिका में सहस्रचंद्र के दर्शन मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को करा दिए। ये गौरव के पल हम सभी के लिए आनंदमयी है। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि मोदी ने देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है, जिससे देश आत्मनिर्भर होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नाथ सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के घर की रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाया, हर गरीब के घर में शौचालय बनवाया, देश को साफ सुथरा बनाने की राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम शुरू की, हर घर को जल योजना के तहत सभी को घर तक जल मुहैया करवाया जा रहा है। सांसद नायब सैनी ने पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले कांग्रेस शासन में किसानों को 2.5-2.5 रुपए के चेक मिलते थे, आज हुड्डा साहब और उनके बेटे बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो वे बताएं कि उन्होंने क्या कभी किसानों का बाजरा खरीदा, क्या कभी ईमानदारी और पक्षपात के बिना किसी को नौकरी दी। हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भाजपा की सरकार ने हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। पिछली सरकारें लोगों को झूठ बोलकर वोट लेती थी कि उनका 24 घंटे बिजली देने का वादा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतार ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज भारत की तरफ अन्य देश आशा की नजर से देख रहे हैं। कोरोना काल जब विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की 2 दवाइयां तैयार कर एक नया इतिहास रचा। अपने देश के लोगों के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों को भी वैक्सीन निर्यात की। इस अवसर पर एसडीएम नसीब सिंह, मार्केट कमेटी की पूर्व चेयरमैन मेघराज सैनी, लाडवा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सनी कालड़ा, प्रमोद समालखा, ममता सैनी, राजू खुराना, दीपा सैनी, राजकुमार सैनी, मंडल महामंत्री अरुण सैनी, सरदार साधु सिंह, जिला महामंत्री जसविंदर सिंह, डीएसपी तरुण कुमार सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।